हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्ष कुमार और आप देख रहे हैं वेदन स्टडी में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको रैज फाउंडेशन बोल्ट की ड्राइंग बताऊंगा कि वो किस तरह से बनती है। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक राइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको डायमीटर मान लेना है उसका, बोल्ट का। ठीक है, सपोज करिए हम बोल्ट का डायमीटर 20 mm ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं डायमीटर, यहाँ देख लीजिए। डायमीटर हमने कितना लिया है, 20 mm लिया है। ठीक है, अब इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर पॉइंट मार्क करने के बाद जो हेक्सागोनल नट का वो होता है बेस, वो कितना होता है, 2D। 2D यानी कि 40 mm आ जाएगा। 20 mm लेफ्ट और 20 mm राइट, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, डार्क पेंसिल से। उसकी हाइट कितनी होती है, डायमीटर के बराबर ही, यानी कि 20। यहाँ पर भी ये कितना देगा, यहाँ पर भी 20। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला भी दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब जो ये पहले वाला बॉक्स है इसका आपको हाफ कर लेना है। क्या करना है, हाफ। कितने एम पे आएगा, 10 mm। इस तरह से इसका हाफ हो गया। ठीक, इसी प्रकार इस दूसरे वाले का भी आपको हाफ कर लेना है। कितना आ जाएगा, ये भी 10 mm पर। इस तरह से आपको डार्क कर लेना है। ठीक है, यह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर एक कर्व बनता है, वो कर्व लगता है आर इक्वल टू 1.5D। आर इक्वल टू 1.5D, ये कितना आ जाएगा, 3 cm आ जाएगा, यानी कि 30 mm। अब आपको यहाँ इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पर जो ये सेंटर वाली लाइन है इस पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और पॉइंट मार्क करने के बाद आप अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए, और दूरी लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये कर्व लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कर्व लगा दिया है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिला दीजिए दोनों को। ठीक है, मिलाने के बाद अब जो ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है इसको अभी आपको हाफ कर लेना है। 5 mm पर ये हाफ हो जाएगा, और इससे हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर इसका हाफ कर लीजिए और हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए। फ्री हैंड स्केल से इस तरह से इन दोनों को लाइट पेंसिल से मिला दीजिएगा इस तरह से। और इस तरह से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रकार लीजिए। प्रकार में इस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की इसकी आधी से ज़्यादा दूरी ले लेनी है प्रकार में। ठीक है, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। और दूरी लेने के बाद एक पॉइंट ऊपर की ओर करूँ और एक करूँ नीचे की ओर इस तरह से लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार यही दूरी प्रकार की यहाँ नोक यहाँ रखिए, और इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है। अब यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यह भी आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और जहाँ पर ये लाइन कट करती है यहाँ पर प्रकार की नोक लीजिए। प्रकार की नोक रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पर ये कर्व लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से कर्व लगा दिया है। ठीक है, अब सेम यही दूरी यहाँ पर इस तरह से कीजिए। इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ, इस तरह से। ठीक है, करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से यहाँ पर भी एक कर्व लगा दीजिए। इसमें कुछ सही नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से कर्व लगा दिए। आप प्रकार से अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए।
अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम वाशर, ठीक है। क्या लगाते हैं, वाशर। वाशर की जो लंबाई होती है 2D+3 होती है। 2D+3 कितना आएगा, 4.3, यानी कि डायमीटर जब हम 20 रखेंगे तो 4.3, 4.3 का हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। 4.3 का हाफ हो जाएगा 2.15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2.15, 2.15 यहाँ आ जाएगा कुछ, 2.15, ठीक है, 2.15 इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2.15। आपको यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। टोटल कितनी है, 4.3, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 4.3 लंबाई का क्या बना दिया है, वासर बना दिया। और इसकी जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो इसकी मोटाई हो जाएगी, वो 1 या 2 mm ले लीजिए। ये मैं यहाँ पर 2 mm ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसे इसको आप इरेजर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से, ये यहाँ इस पॉइंट से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आना है। कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ये नीचे आ गए 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट से भी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ के आ गए 1.5 सेंटीमीटर नीचे आ गए। अब आपको फ्री हैंड कुछ इस तरह से ड्राइंग बनानी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कितनी फ्री हैंड बनानी है। अब जो ये लंबाई बनाई थी आपके, नहीं, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, किसको मिलाते हुए इनको आपस में मिला दीजिए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये कुछ यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, ताकि बराबर रहे। इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको आप इस तरह से मिला दीजिएगा आपस में, ठीक है दोस्तों। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है, इसको आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2-2 mm अंदर की ओर चलना है। कितना, 2-2 mm, ऊपर से आप 1 सेंटीमीटर, 5 से 7 mm आ जाइए, आ जाइए ऊपर से 5 से 7 mm, और नीचे 2 mm ले लीजिए, यहाँ पर भी 2 mm, ठीक है। और इन दोनों को आपस में ऊपर की ओर इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। और अपनी फ्री हैंड स्केल से इस तरह से इनको आपस में मिला दीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसकी क्या बना दी, इसकी थ्रेड बना दी है, ठीक है। थ्रेड बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे की ओर 0.75D, 0.75D यानी कि डायमीटर जब हम 20 रखेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। कितना आना है आपको, 1.5 सेंटीमीटर नीचे आना है। यहाँ से कितना है, हम 1.5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। और जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आपको नीचे तक ड्रॉ कर लेना है लाइट पेंसिल से, ठीक है, इस तरह से। नीचे तक ड्रॉ करने के बाद अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ऊपर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डायमीटर के बराबर है। दे या माप लीजिए कितना है डायमीटर, यानी कि पूरा का पूरा कितना है, 20 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 mm, यानी कि कितने, किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर है। इसको आपको यहाँ से इस तरह से डायमीटर से शो कर देना है, ठीक है। करने के बाद अब यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे की ओर, या इसकी जो चौड़ाई होगी, अब वो होगी 1.75D, 1.75, सॉरी 1.75D नहीं, 1.25D, 1.25D इसका मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जब हम डायमीटर
की मल्टीप्लाई 1.25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको 2.5 सेंटीमीटर का हाफ कर लेना, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.2। अब आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ पर एक हल्का सा कोई लाइट पेंसिल से पॉइंट मार्क कर लिया, पॉइंट मार्क करने के बाद इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 1.25 लेफ्ट और राइट 1.2 यहाँ पर आ जाएगा 1.25, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए और इधर टोटल कितना होना चाहिए 2.5 यहाँ पर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी ले ली 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का हाफ किया, इतनी दूरी यहाँ, इतनी दूरी यहाँ, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना 1.5 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा। अब नीचे की ओर आपको कितना जाना है 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह से नीचे की ओर कितना 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पॉइंट पर मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपको कितना जाना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है d, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25d हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ये करने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर इसी प्रकार यहाँ पर एक लाइट पेंसिल से पॉइंट मार्क कीजिए, इस बार आपको कितना लेना है 1.5d कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आप 1.5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट के 1.5 सेंटीमीटर यहाँ एक पॉइंट मार्क कीजिए और 3 सेंटीमीटर पर यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेने के बाद यहाँ से ठीक इसके इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक कितनी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से आपको करते जाना है, आपको सही से बना लेना है। ये कितना हो जाएगा 1.5d यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में हम इसको इरेजर कर देंगे। अब हम इसके बराबर कितना लेते हैं 1.75d का मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 3.5 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.7, यानी कि आपको पॉइंट मार्क कर लेना है और 1.7 ये 5, 6, 7 एक पॉइंट यहाँ मार्क कीजिए और टोटल कितना है 3.5, 3.5, ठीक है, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना 1.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी कितना 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.75d, बाद में हम इसको इरेजर कर देंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, अब हमारा लास्ट में आएगा 2d कितना हो जाएगा 40 के आधे 20, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कीजिए कहीं पर भी मान लीजिए और इसका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसके यहाँ से कितना नीचे आना है यहाँ इस पॉइंट से 1.5 मीटर, फिर यहाँ इस पॉइंट से इसके पैरेलल 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब लास्ट में इन दोनों को आपस में मिला देना है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2d के बराबर हो जाएगा, यानी कि 40 mm। मिलाने के बाद फिर आपको अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है, ठीक है, फ्री हैंड स्केल लेने के बाद इनको आपस में इस तरह से, जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको हल्का सा नीचे की ओर कर लीजिए, इसको भी ऊपर से हल्का सा नीचे कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक इसी प्रकार ये वाली लाइन कर लीजिए ऊपर से नीचे को, ठीक इसी प्रकार ये वाली लाइन भी नीचे कर लीजिए हल्की सी, ठीक इसी प्रकार ये भी नीचे को हल्की सी लाइन, ठीक इसी प्रकार ये भी, ठीक इसी प्रकार ये, ठीक इसी प्रकार ये, और इस तरह से ये करने के बाद इनको इस तरह से आपस में मिला दीजिए,
आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हम जो ये बीच के डायमीटर है, अब हम इनको लास्ट इरेजर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये जो डायमीटर बनाए थे हमने इरेजर कर दिए। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको ये बनाते हुए बाद में इरेजर कर देना है। ठीक है, अब लास्ट में ये बेस कितना आ गया, ये आ गया 2D के बराबर, ये आपको शो कर देना है इस तरह से। ठीक है, शो कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ शो कर देने के बाद यहाँ इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर या 5-7 mm नीचे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो इसका नीचे का बेस हो जाएगा, वो जाएगा 3D। 3D किसके बराबर, 60 सेंटीमीटर, 60 यानी कि आप करेंगे तो 30। ठीक है, इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 60 की। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ जो ये ऊपर वाली लाइन है इससे नीचे 1 सेंटीमीटर या 7-8 mm नीचे पॉइंट मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना बेस होता है 3D। 3D लेने के बाद, ठीक है, 3D बेस हो गया। 3D बेस के बाद अब आपको ये ऊपर की ओर मिला देना है इस तरह से फ्री हैंड स्केल से। ठीक है, कुछ इस तरह से हल्का सा तिरछा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ये करने के बाद अब हम ये जो ये वाली पहाड़ वाली लाइन है ये आपको फ्री हैंड ही कर देनी है इस तरह से। ठीक है, और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये आपको दिख गया, हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल को जो ये आपका ड्राफ्टर है ये, इसको आपको 45 डिग्री के कोण पर सेट कर लेना है। ठीक है, कितने के डिग्री कोण पर, 45। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये अपना ड्राफ्टर 45 डिग्री के कोण पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से हैचिंग शो कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग शो कर दिए। अब जो ये अंदर अंदर का जो ये हिस्सा है, इसमें भी मैं आपको हैचिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये इसमें आपको इस तरह से कुछ कटिंग के फॉर्म में हैचिंग शो कर देनी है। ठीक है, हैचिंग शो कर देने के बाद अब मैं इसमें जी यहाँ पर ये कंक्रीट का सिंबल भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें कंक्रीट के सिंबल भी शो कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये आपका रेज फाउंडेशन बोल्ट, RAG रेज फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, फाउंडेशन बोर्ड की असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और इसमें हमने जो आपको डाटा बताया है वो आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में इसको बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना। थैंक यू।